अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से एक क्लिक के जरिए आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, DMCA, कुकीज़ पॉलिसी, इस तरह के पेजेस ऐड कर सकते हैं और इनका कंप्लीट कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं विदाउट एनी राइटिंग एफर्ट। सिर्फ आपको वन क्लिक करना और आपके सारे पेजेस क्रिएट हो जाएंगे और उनको आप अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हैं। इस तरह के पेजेस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं एडसेंस या इस तरह के बाकी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अप्रूवल के लिए, अगर आपका एक ब्लॉग है तो, और इसके अलावा वेबसाइट जो बिजनेस वेबसाइट्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, चलें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इनके पेजेस और इनका कॉन्टेंट हम विद वन क्लिक के ज़रिए सेटअप करते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमें सिंपल चले जाना है, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है WP लीगल, राइट। और तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लगइन है लीगल पेजेस के नाम से बाय WP वैक्स। तो सिंपल इसको हमने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेना है जिस तरह से हम बाकी प्लगइन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें आप एक और ऑप्शन नज़र आ गया। सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है एड न्यू पेजेस। वो डिटेल्स जो आप देंगे वो आपकी वेबसाइट के इन पेजेस के जो कंटेंट जनरेट होगा उसके अंदर भी ऐड होगी। तो आप मेक श्योर करें कि वो डिटेल दे दें, उसके अंदर फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें, ईमेल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें दे दें। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है चूज़ अ टेम्पलेट। अब मुझे टर्म्स ऑफ सर्विसेज का, सॉरी टर्म्स ऑफ यूज़ का जो पेज है वो बनाना है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें हमारे पास पेज क्रिएट हो गया, उसका कंटेंट क्रिएट हो गया विद आवर वेबसाइट, ठीक है, हमारी वेबसाइट के साथ ही, हमारे वेबसाइट के URL, सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के रेलिवेंट है। तो मैं इसको सिंपल सेव पेजेस कर दूंगा। इसके साथ साथ अब मुझे एक नया पेज बनाना है, तो सिंपल प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मेरी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो जनरेट हो चुकी है। सिंपल अगेन इसको सेव करूंगा और अगेन फिर इसी तरह से मैं बाकी जो वो हैं उनको क्रिएट कर लूँगा, जैसे कुकी पॉलिसीज। अब यहाँ पे देखें क्योंकि वो सेटिंग्स के अंदर मैंने अपना ईमेल और नंबर वगैरह नहीं दिए थे तो यहाँ पे इसने वो चीज़ें ब्लैंक छोड़ दी हैं, ये आप खुद ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास कुकी प्राइवेसी पॉलिसी ऐड हो गई है, इसको मैं सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हम ईजिली जो पेजेस हैं, जो नेसेसरी पेजेस हैं किसी भी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम अप्रूवल के लिए या अपनी वेबसाइट के अंदर लीगल पेजेस ऐड करने के लिए, इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल अगर हम आए अपने पेजेस के अंदर तो ये पेजेस हमारे बिल्कुल रेडी टू गो, तैयार होके यहाँ पे पब्लिश हुए पड़े हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनको आपको व्यू करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये व्यू हो रहे हैं और व्यू के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो कंप्लीट उसी तरह से जैसा हम चाह रहे थे वो सारा सेटअप है। यहाँ पे देखें ये प्राइवेसी पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से हमारी लिखी जा चुकी है। अब ये वाले जो वो हैं, इन पेजेस को आप मेन्यू के अंदर आके कहीं पे भी शो करवा सकते हैं, ऊपर टॉप मेन्यू के अंदर भी शो करवा सकते हैं, फुटर के अंदर भी शो करवा सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना है मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है अपीयरेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखें अपेयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये फूटर मेन्यू है। इस फूटर मेन्यू से ये दो पेजेस जो हैं वो हमने पहले डिलीट किए थे, तो यहाँ से हम वो पेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़, सॉरी यहाँ पे देखें ये कुकी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़, इनको सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल इस तरह से और यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड टू मेन्यू कर देंगे और यहाँ पे हमारे जो पेजेस हैं वो ऐड हो जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके नतीजे में हमारे पेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप अपने जो लीगल पेजेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं उनका कंटेंट भी जनरेट करके अपने वेबसाइट में ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू क्लिक्स सेटअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है नीचे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।